हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी अभी फ़ोन आया हुआ है, कैब वाले का, कि पहुंच गया नीचे। मैंने बोला था जब भी निकलोगे फ़ोन करना। 7:06 हो गया, अभी अभी आया हूँ। इंस्टेंटली तैयार होना पड़ेगा। पैकिंग तो सब हो चुकी है, बस शूज़ डालने। ब्रश भी नहीं किया है, दिल्ली पहुँच कर ही करूँगा। बोलते हैं उनको भी उठा दिया है। कैब वाला नीचे खड़ा है, देखा तो नहीं मैंने। नीचे ही खड़ा है, जाते फटाफट मेरे को शूज़ पहनने। बस जब तक मज़ा आ रहा है तब तक मैं बैग ये वाला नीचे ड्रॉप कराता हूँ। क्या खा लेते, कभी वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। फिर फ़ोन भी नहीं किया। तो भाई रेडी हो चुके हैं, अमन भी रेडी हो गया है। हाँ भाई, चाय बनाई है, मतलब हम अभी चाय पी लिए। भाई हम भाई वेट और कर रहा है क्या वाला, बहुत देर से टी शर्ट लेता है। अरे नहीं, वो नाश्ता करके क्यों नहीं जा रहे हो? मैं चलूँगा, क्योंकि लेट लेट हो रही है। तो भाई बहन का प्यार। So guys, we are ready to go. कैब भी आ चुकी है, भैया भी आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अब अपने सफर में दिल्ली तक के। पीठ दर्द हो रहे हैं यार। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं माइम भाई की समझदारी से 1 घंटे पहले। ठीक है, इनको देखो यार, क्या बात है यार। मतलब मैं जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा ना, तो माइम भाई को ना मैं अपने अलार्म गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने भरोसा किया इनका अलार्म सेंसर। सुनो आज क्या है, आज सैटरडे है ना, तो मुझे ये देखो इस अलार्म में क्या लिखा है। सबसे ऊपर वाले में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और इनका हाथ सॉरी इसी में गया कि कल अलार्म रखूंगा सैटरडे का 6 बजे का। ठीक है, बेवकूफ कौन मैं? गलती किसकी? मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने इन पे भरोसा। इनको देखो, शक्ल देखो यार, मेरी क्या गलती भाई मैं। तो इनके चक्कर से हम लोग वैसे 7 बजे निकलने वाले थे घर से, तो हम लोग आज 5 बजे निकल गए। ये तो अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि भैया को पता लग गया कि इतनी 5 बजे जाना है। ये देखो, तो गाइस जिस जिसको भी अलार्म मैनेजर की नीड है तो इनसे कांटेक्ट करें, लेकिन पैसे थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं डिस्काउंट कर दूंगा। डिस्काउंट कर देंगे और आपको उठाने में डिस्काउंट कर देंगे। या तो जल्दी उठा देंगे, या तो मंडे की जगह वेडनेसडे उठाएंगे भाई। पूरा नींद पूरी हो जाएगी ना। सही है यार, तो ये थी मेरी गलती कल रात की। शुक्र मनाओ मैंने साइलेंट नहीं किया था फोन। आपको पता है, आपने जब अलार्म रखा था ना, उसके बाद आपका फोन रीचेक किया वापस। आपने पता है अलार्म कितने बजे रखा था? 6:27 का। मैंने बोला था आपको 6 बजे रखना, फिर वो 6 बजे का सेट करके वो करके साइलेंट मोड से हटा के फोन। बट अब जो भी है यार, है तो अपने ही। चलो गाइस, भाई भाई इतनी देर से बोल रहा हूँ कुछ खिला दे खिला दे खिला दे, लड़के ने कुछ भी नहीं खिलाया अभी तक। बड़ी मुश्किल से मैंने भैया से रिक्वेस्ट करके, अभी मोगा ढाबे पे रुकी है गाड़ी। अब चलते हैं अंदर, गोप्रो को चार्ज पे लगा रहा हूँ। मेरे जूते खुले हुए हैं, मुझे जूते पहनने पड़ेंगे। गाइस अभी हम जा रहे हैं मोगा ढाबा में, और पीछे से कैब वाले भैया आ रहे हैं। हम उनको बुलाने का मन तो कर नहीं रहे, अगर वो पीछे आ जाएंगे हमें उनको भी खिलाना पड़ेगा। मैंने तुमसे मजाक में बोला भैया। और गाइस मेरी बात सुनो, ये मेरे तो चोर है ना, कैब वाले का फोन भी चोरी कर रहा था उन्होंने। कैब वाले ने बोला भैया फोन दे दो मेरा, तो बोला अरे झूठ बोल रहा है ये, मुझे गिफ्ट दिया था कह रहे हैं। फोन में वो चलाया था, गाने चलाए थे उसने। तो भाई हमने ऑर्डर किया है 2 पराठे आलू प्याज के, और 1 दही और 2 चाय कुल्लड़ वाली। हमको नींद आ रही है यहाँ पर अभी भी। अब मैं हूँ, अब मैं उठूँ फ्राइडे को 6 बजे। पराठा ये है दही, ये है बटर, ये बटर नान 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 पराठा पराठा नान है। पेंसिल पेंसिल शादी कैंसिल
ऐसा खाऊ भाई चाय भाई। मैंने कैब का भी पैसा दिया, मैंने कैब के पेट्रोल का भी पैसा दिया और मैंने इनको 5,000 रुपये कैश निकाल के दिया और अब ये बोल रहे हैं जरूर तुम दे दो, बाद में कर लिए हैं। बाद में तो ये करता है, ये डिस्काउंट मांगता है उसमें भी। देखो बात बात पैसे देने की बारी है तो फोन में बात करने क्या करूँ बताओ। ऐसे मैंने आस्तीन में सांप निकाला है, आस्तीन में सांप नहीं है, सांप में ही आस्तीन, मेरे सांप में ही आस्तीन है। फाइनली हमने कोल्ड कॉफी मंगाई है, कोल्ड कॉफी पीते हुए जाएंगे। नहीं ना रही है बहुत ज्यादा। बिल पेमेंट कर दिया भैया ने, हमें बढ़िया सर्विस दी यहाँ पे। भैया अपना नाम बता दो यार। ओजाम, क्या बात है भैया ने बहुत बढ़िया सर्विस दी। पेमेंट हो चुका है, आप चलते हैं, निकल गए। थैंक यू टू व्हील्स बाय। भाई मेरे दिमाग में ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गोरा आ रहा हूँ ना गाइस अब। ठीक है गाइस, मेरे दिमाग में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई है, वो जाएगा अमन क्या है। तो अभी क्या हुआ, हम लोगों ने मेंटोस वगैरह लिया दुकान से, मैंने ऐसी बात मारी वहाँ पे, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया उनका। सुनो जो सारे कुरकुरे कुरकुरे पैकेट लेते करते जो फ्यूज हो गए सारे। किसने मारी लेकिन? ग्रेटेस्ट मयंक यार। भाई मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तो सुनो गाइस, आपको मैं एक राज बताऊंगा स्टेज पे, स्टेज के बाद स्टेज पे बताऊंगा। कट देना, कट कर। अनाप सनाप बात कर रहे हैं यहाँ पे। भैया से मैंने पूछा यहाँ खड़े हो जाए तो बोल रहे डंडे तो नहीं मारोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो भैया अपनी दुकान के आगे खड़े होने दे रहे हैं, कैमरा तो फूट जाएगा इससे ना भाई। CNG बनानी है तो हमें उतरना पड़ेगा और मैं नंगे पैर हूं यार। शूट आदे शूट भाई, मुझे एक चीज पूछनी है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ कि जब CNG भरते हैं नीचे क्यों उतार देते हैं हमें? सर जी क्योंकि इसमें कंप्रेस नेचुरल गैस होती है ना, जो कंप्रेस गैस होती है वो क्या होती है, नीचे होती है। लेकिन वो कंप्रेस नेचुरल गैस है ना वो। नेचुरल गैस तो मेरे पास भी है। CNG का बताऊं, CNG का भाई जो हमारा कैब ड्राइवर है ना भाई, मतलब कैब वाला भाई है एक्से वाला, वो हमें मुंह नहीं लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पंडित भीमसेन जोशी जी का ड्राइवर है। जो भी ड्राइवर जोशी जी की वो आप कहाँ से पढ़े हो? वो कुछ और बजा देते थे क्या? कुछ और बजा देते क्या? वो CNG बजा देते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैब में और अमन देख रहे व्लॉग। किसका व्लॉग देख रहा है? मेरा ही व्लॉग देखता है यार, कितना अच्छा लड़का है। सो फाइनली वी रीच्ड नोएडा। हम लोग आज नोएडा जा रहे हैं अलीशा और अनंत के रूम पे। ये जबरदस्ती बोल रहा है, मैंने कहा चलो चलते हैं। हम यहाँ आ चुके हैं। अमन क्या कल जाएंगे? ये वाले अमन के नहीं, छोटे वाले अमन क्या, इसका कौन जाएगा यार? ये वेंकट। हेलो आनंद। हाँ बेटा। हाँ जितरो आ जा नीचे, आ जा तो जरा। अरे मैं तो बाहर है, वो मतलब शिट घर पे न्यू टीटी को फोन कर लो। ठीक है ठीक है। अबे यार हमारा कुली तो है नहीं घर पे, शिट हमें खुद ही जाना पड़ेगा। काम करो चुपचाप पे, काम करो चुपचाप। ये कुली चलो 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 सीधे चलो सीधे बेटा इधर चलो इधर। अबे क्या बताओ उसको, अच्छा दिमाग कर रहे हैं। चलो चलो ले जाओ। तो हम आ चुके हैं, फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और ये देखो बंदवा मजदूर। दिखाओ यार ये हालत, देखो अभी तो ऊपर दिखा रहा हूँ, नीचे भी दिखा देते हैं। लोग यहाँ भीगने आ जाएंगे। इसको बोल रही है कि कोल्ड ड्रिंक बनाओ। हाँ कोल्ड ड्रिंक बना दे। बोल रही है कोल्ड ड्रिंक बना दो। कोल्ड ड्रिंक तो बन सकती है ना अभी। जाओ फिर खाना, डायरेक्ट खाना।